Kaya? You can just tell about your character, your name. Okay, we're here to promote our show. It's called Jab Mila Tu. ये जियो सिनेमा पर आ रहा है. इसके 8 एपिसोड्स अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं और बाकी एपिसोड्स अभी बहुत जल्द आएंगे. ये एवरी संडे नाइट 4 एपिसोड्स आते हैं और हम जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग मैडी एंड जिगर. बाकी हमारे प्रतीक सच पल सकते हैं. नहीं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ. अच्छा, शुरू तो कर. सो जिगर जो है वो एक मैडी इज अ रॉक स्टार एंड ही इज अ, जिसे कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं. एंड जिगर उनका बहुत बड़ा फैन है, बचपन से उनको देखते आया है, उनके गानों पे नाचते आया है घर में. एंड ही जस्ट वांट्स टू बी लाइक हिम, ही वांट्स टू वर्क विद हिम. एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, बिकॉज मैडी इज लाइक द, वो कहते हैं ना कि हर लड़कियों की हार्ट बीट है वो. एंड ऑल द पीपल आर क्रेजी आफ्टर हिम. इज लाइक द सुपर रॉक स्टार, जैसे कहते हैं, लाइक इफ देयर इज अ सुपरलेटिव फॉर रॉक स्टार तो वो है. एंड जिगर उसका बहुत बड़ा फैन है, क्रेजी, लाइक मैड. सो ही वॉन्ट्स टू डू एनी थिंग टू गेट टू हिम. एंड उसके बीच में हमारी एक जर्नी है, इनकी जर्नी है थोड़ी, और एक जर्नी पे आके हम सब मिल जाते हैं. तो वही है, शो में वही चल रहा है. सो बेसिकली इट्स अ फन शो, इट्स अ यूथफुल शो. बहुत कुछ है, बहुत स्टोरीज है, बहुत लेयर्स है हर कैरेक्टर में. बाकी दो कैरेक्टर्स भी अभी जो प्ले कर रहे हैं वो भी आने वाले हैं बहुत जल्द, ईशा और अलीशा. सो बेसिकली यश, इट्स अ फन शो. एट द सेम टाइम यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स इन इट. बहुत एक लेयरिंग है हर चीज़ की. उनके बचपन की कहानियाँ भी है. जिस तरह अब तक मैडी और जिगर सिर्फ एक बार मिले हैं, तक हम लोगों का कैरेक्टर मिला नहीं है उतनी अच्छे से आठ एपिसोड में पहले, और अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं भी आगे के एपिसोड में. और फिर जो है वो कहानी और एक नए ट्विस्ट पे आएगी, एक नई स्टोरी आगे बढ़ेगी. एंड वी वेरी एक्साइटेड फॉर आप सबके रिएक्शंस, आप सबके रिस्पॉन्स. और हमने बहुत दिल से बनाया, गोवा में शूट हुआ, ये पूरा गोवा का ही प्रमाइस है. शो बहुत प्यारा है, ललित मोहन साहब ने बनाया है. इट्स डन बाय टू नाइज मिन प्रोडक्शन एंड जियो सिनेमाज एंड इट्स आउट नाउ. प्लीज वॉच. और मैडी, जैसे इन्होंने कहा, बहुत बड़े रॉक स्टार है और वो वैसे ही है. वो किसी पे गिटार तोड़ देते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वो वैसा पूरा कैरेक्टर है. इज अ चलता फिरता रेड फ्लैग. एनी क्वेश्चंस? सर, इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी या डिफरेंट लव स्टोरी? वो आपको आई थिंक ओवर टाइम पता लगेगा. हाँ, वो धीरे धीरे पता चलेगा. हो भी सकता है शायद ना भी हो, हम अभी बता देंगे. 8 एपिसोड में ऐसा कुछ है नहीं अभी. बट प्रतीक भाई ने क्या बोला, ट्रायंगल हो? नहीं नहीं, मैंने तो बोला भाई कुछ भी हो सकता है, शायद चारों भी, रोम्बस भी हो सकता है, शायद कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर. पंजाब इज अमेजिंग यार. चंडीगढ़ तो आई लव, इट्स बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट शुरुआत से. चाहे मेरा पहला रोडीज का ऑडिशन हो, चंडीगढ़ में आया था मैं रातों रात, आके रिजेक्ट होकर चला गया था वापस. और उसके अलावा भी मेरी बहन यहाँ पे रहती है जीरकपुर में, तो मैं बहुत आता हूँ चंडीगढ़ एंड बहुत मज़ा आता है यहाँ पे. और अपना अपनापन बहुत महसूस होता है. सरसों का साग, मक्की की रोटी, एकदम फ्रेश फ्रेश, मज़ेदार, गुड. सेम ईयर मुझे भी उतना ही मज़ा आ रहा है. मेरा थोड़ा कम आना होता है, लेकिन जब भी आते हो, हम मक्के की रोटी तो खाते हैं हम बॉम्बे में भी, वो बढ़िया. मैसेज टू एवरी वन आउट देयर कि प्लीज़ 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 डू वॉच जियो सिनेमा पर जब मिला तू. ये हर संडे नाइट आएगा. सो एवरी संडे नाइट 10 PM इट्स गोना लॉन्च. सो एवरी संडे नाइट 4 एपिसोड्स आएंगे, सिर्फ 6 ही हफ्ते का है. 6 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ये 25 January को शुरू हुआ, वैसे ही 25 February को, 22 January से 25 February को ये शो कंप्लीट हो जाएगा. तो टोटल सिर्फ 9 घंटे का शो है. बहुत प्यारा शो है, बहुत दिल से बनाया है, बहुत मेहनत की है इस पर. हाँ जी, सीरीज़, ये सीरीज़ ही है जी, 24 एपिसोड की. उसके बाद फिर आगे अगर सीज़न देखते हैं, सीज़न 2, सीज़न 3, क्या पता सीज़न 10, क्या पता सीज़न 100 तक जाए, क्या पता. हाँ, वो अभी हमको भी नहीं पता एक्चुअली. एक साल के बच्चे से ऊपर जो सब देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. बहुत मजेदार है, एंटरटेन होते रहोगे आप, ऐसा है सर. थोड़ा कोशिश की थी, थोड़ा अपने आप को बनाया था, क्योंकि वो रॉकस्टार का कैरेक्टर था, जिम मॉरिसन टाइप का उनको लुक चाहिए था. तो वो पूरा हेयर, मेरे जो हेयर हमारे करण साहब यहीं पे,
इन्होंने ही इनका ही मैजिक था जो पूरा वो हेयर स्टाइल किया हुआ है इन्होंने वो कर्ल्स और सारी चीज़ें. आई लॉस्ट अराउंड 23 kgs. तो वो बहुत हालत हुई थी पर वो करना पड़ा था बिकॉज वो कैरेक्टर हैज टू लुक लाइक दैट लीन. 23 kilos मैं मेरी थोड़े से ऑलरेडी पहले से चल रहा था तो वो मुझे 8 महीने लगे थे टोटल. इस सीरीज़ के दौरान हमने फर्स्ट डे से उसके तक भी हमारे 12 kilo तब तक और हो चुके थे. तो अराउंड 23 kgs इन टोटल फ्रॉम कार्तिक से अभी मैडी तक हुआ था. यस यस इट हैड टू लुक लाइक दैट. वो जो कैरेक्टर है ही हैड टू लुक लाइक दैट लीन पर्सन. ही हैड टू लुक लाइक अ रॉक स्टार. तो वो उनका जो लुक है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था. उनका एक डायलॉग, उनकी तरीका, उनका बोलना, वो किस तरह पॉजेज लेंगे, वो बहुत कम बोलते हैं. जैसे जो प्रतीक का कैरेक्टर जिगर लव्स टू टॉक, ही वो जितने एक्सट्रोवर्ट है मैडी उतने ही इंट्रोवर्ट होता है. और जब वो दोनों अभी आगे चल के जब मिलेंगे और तब वो क्या क्या होगा तो यू सी टू कम्प्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटीज. जो हमने फर्स्ट डे बात की थी जो हमने रीडिंग की थी कि यू सी टू कम्प्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटीज व्हेन दे मीट एंड दे कोलाइड एंड व्हाट हैपेंस विद ऑब्वियसली एवरीबडी एंड द होल लव स्टोरीज इन्वॉल्वड. एंड Yeah, that's And how did you get the role? मतलब you have given some audition or by seeing you in रिश्ता क्या कहलाता है you got it? हाँ, ये इन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, ये है. मुझे बहुत प्यारा लगा था ये कहानी, ये पूरी कि ऐसी ऐसी स्टोरी रहेगी. इन्होंने मुझे there your character is totally different. मतलब वो हाँ परिवार वाला है. Yes, and yes. There you are totally youth and you know. True. Absolutely. And I have loved playing both. I have loved, absolutely adored playing both actually. वो दोनों ही characters मेरे दिल के उतने ही करीब है और आगे भी होंगे. दोनों ही characters मेरे अंदर ही है और वो कहीं ना कहीं वो मैंने ही play किए, वो कहीं ना कहीं मुझसे निकले. तो मुझे वो दोनों ही उतने ही प्यारे हैं. ये एक कोशिश रही है कि उसे कम्प्लीटली डिफरेंट प्ले किया जाए. जिस तरह के कार्तिक थे उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट तो उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ में एक थोड़ा सा चेंज हो. सो इट वॉज़ अ कॉन्शियस डिसीजन इवन विद द डायरेक्टर साहब जो वो कंटिन्यूसली वो करते थे कि हमें थोड़ा अलग करना है इसे थोड़ा सा. सो इवन द रोमांस पार्ट विल बी डिफरेंट. ही वुड बी स्लाइटली एरोगेंट. ही वुड बी स्लाइटली इवन इन रोमांस तो वो वहाँ पर भी उनका वो दिखेगा गुस्सा. तो वो हर चीज़ को उस तरह मेंटेन करके किया. सो यस बोथ द कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट एंड आई हैव लव्ड प्लेइंग बोथ. एंड कुछ आपके कैरेक्टर्स आप कुछ सिमिलैरिटी करता है इस कैरेक्टर? यार मैं उतना ही कम बोलता हूँ तो मेरा वो एक सिमिलैरिटी है कि बट यस उनका जो कैरेक्टर है वो एक रीज़न है कि वो क्यों कम बोलते हैं. बहुत जल्द वो धीरे धीरे जैसे स्टोरी खुलेगी उनके बचपन की कहानी वाई ही वॉज कार्ड. उनके बचपन में एक हादसा हुआ था तो वो कैसे हुआ था क्या वो बाद में खुलेगा. तो देयर इज लॉट ऑफ रीजंस व्हाई ही इज़ द वे ही इज़. बट हाँ वो एक सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी ये है कि हम लोग मैं भी उतना ही इंट्रोवर्ट हूँ रियल लाइफ में. मैं भी उतना ही चुप रहता हूँ सिवाय अभी इंटरव्यूज देने. गो फॉर मूवीज हाँ अभी जो आ जाए इंशाल्लाह. Yeah, mainly I'll tell you every medium, I love every medium the same. They're all equally close to my heart and inshallah jo kahani achhi lage, jo character achha lage, wo karna pasand karunga inshallah. I hope ke waisa hi ho aage. Any other project you are coming up with? Another project? Chah rahe hain mere. Haan. After this, ek music video kiya hai maine tips ka, I think wo aayega inshallah. और उसके बाद क्या, इसके बाद एक मीटिंग चल रही है हमारी. लेट्स सी, आई होप दैट हैपेंस. हाय सॉरी गाइस. हाय हाय हाय. मैं कैसे बैठेगा? परफेक्ट. हां जी मैं उधर चला गया और फिर दोनों गर्ल्स बीच में. यहां जाऊं? नहीं फिर जब तक अलीशा आएगी फिर बस. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ लेडी? सो ईशा कैन यू जस्ट एक्सप्लेन देम अबाउट योर कैरेक्टर इन द शो? फिर भी टेक अ डीप ब्रेथ पहले. आई एम सो सॉरी यू गाइज़ वर वेटिंग लेकिन हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी इसके लिए सॉरी. मैं अनीरी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. आई होप आप लोगों ने ट्रेलर देखा हो. इतने प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर इतनी खुशी हो रही है ना मुझे. एक तो पता नहीं क्यों चंडीगढ़ आके लग सकता है मैं घर आई हुई हूँ. इतने मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिलते हैं. और अनीरी कुछ ऐसे ही है, उसको देख के लगेगा यार इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं. यू नो वो
एक आम सी लड़की है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि वो प्रॉब्लम में फंस जाती है. वो नहीं चाहती, वो भागना नहीं चाहती, बट उसके सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो भाग रही है ज़िंदगी से. और एक बहुत प्यारा डायलॉग भी है जो मैं शायद जिगर को बोलती हूँ कि यार पार्टनर भागना नहीं चाहती लेकिन लाइफ मुझे भगा रही है. तो आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स अप अनीरी, हाउ शी बैलेंसेज बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हर पैशन. कि वो अपनी लाइफ बहुत नॉर्मल लीड करना चाहती है बट सिचुएशन इतनी फनी होती है कि उसके लिए आपको एक्चुअली बुरा फील होता है. शी विल मेक यू स्माइल, शी विल मेक यू इमोशनल, शी विल मेक यू हैप्पी एंड शी विल मेक यू फॉल इन लव विद हर. एक और इसका कोई नहीं होता, उसका रॉकस्टार होता है. हाँ, वो भी एक बहुत अच्छी लाइन थी. हाँ जी, मैंने एज एन एक्टर, हाय, सो मैं भोपाल से हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, और मैंने भोपाल में थिएटर किया है. उसके बाद मैंने पहला शो कलर्स का किया था एंड देन मुझे लगता है कि गॉड्स बीन वेरी ग्रेट कि बैक टू बैक मैं कुछ ना कुछ कर ही जा रही हूँ. दिस इज़ माय फर्स्ट वेब शो, मैंने जियो के साथ पहली बार काम कर रही हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है. हम सबका डेब्यू है. Just give us 5 minutes.